जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। इसी महीने की 14 तारीख को सलमान शफी नामी ये शख्स की मिसिंग कंप्लेंट भवानी नगर पुलिस स्टेशन में दी गई थी। अब सलमान शफी अपनी बहन को ये कहकर निकले थे कि मैं काम पर जा रहा हूँ। बाद में जब मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई, काफी टाइम हो गया, तो ये पता चला कि सलमान और रजिया सुल्ताना नामी ये खातून, जो इनकी बड़ी भावच बताई जा रही है, इनको इन्होंने छेड़छाड़ किया या फिर इनसे कुछ रिश्ते रखने की कोशिश की थी। इसी की वजह से भावज ने, यानी कि इन्हीं की भावज ने एक प्लान तैयार किया और प्लान तैयार करके इनका खतल करा दिया। आइए सुनते हैं तफसीलात। सौजन रवाना पुलिस स्टेशन में ये महीने 14 तारीख को एक मिसिंग कंप्लेंट आया था। उसमें सलमान शरीफ बोल के इन्हें सलाला में रहता, उनका बहन अपने एरिया में अमन नगर में रहते। वो दिन 10 तारीख को मैंने बहन के घर के आके यहाँ से मैं काम को जाता हूँ बोल के यहाँ घर से निकल गए। जो उनका भाई परवेज अपने पुलिस स्टेशन के आके कंप्लेंट करे, इसके हिसाब से मैन मिसिंग केस रजिस्टर करे। उसमें हम लोग इंक्वायरी करने तो वो मालूम हुआ कि ये सलमान मदेश सलमान और उनका बड़ा भाई का बीवी राजा सुल्ताना, उन दोनों एक ही लोकेशन में आया था वो दिन। इसीलिए उनको बुला के इंक्वायरी करा। इंक्वायरी करने तो मालूम हुआ कि उन्हें मर गए सो बच्चा, उनको औरत को सेक्सुअली हरासमेंट करे गए थे। वो ये सेक्सुअली हरासमेंट करने तो उन्हें बर्दाश्त नहीं करे। उन्हें उनका रिश्तेदार इलाही बोल के कर्नाटका बसवा कल्याण में रहते, उन्हें उनको बोल दिया अगर उन्हें सता रहे ना उनको देख लेंगे बोल के उन्हें वादा करे। दोनों प्लान करके ये महीने में 10 तारीख को वो सलमान को वहाँ बसवा कल्याण को बुला दिए। बुलाने के बाद वो लोग प्लान से वो बच्चा को सलमान को उसका गाड़ी में बिठा के, और इसको इसमें और तीन लोग इलाही का दोस्त था गौस अंसार और जांगीर, वो दो तीनों भी थे। वो लोग मिलकर कार में जाके टाइम पे वो रस्सी से पूरा ट्रायंगुलेशन करके मार डाले। बाद में उनको एक पत्थर बाड़ी को पत्थर जमा करके वहाँ पर एक करकट्टू बोल के एक रिजर्वर है, वो बाड़ी में जाने का केस होता बोल के डर के वो उसमें फेंक दिए। बाद में अपन वो इलाही पकड़ने के बाद उन्हें इंक्वायरी में मालूम हुआ कि उनको मारा बोलकर मालूम हुआ। जब अपन वहाँ कर्नाटका में वो रिजर्वर के पास जाके कल रात में वो डेड बॉडी को बाहर निकाल दिए। बाद में वो पोस्टमार्टम हुए, पोस्टमार्टम होने के बाद वो बाड़ी उसको घर वालों को दे दिए। बाद में ये केस में इन्वॉल्व हुआ सो वो इलाही को और उनका वो बड़ा भाई का औरत को आज रिमांड कर दिए, वे जेल को भिजा दिए। और ये तीन लोग हैं वो लोग भी कोशिश अरेस्ट करने की कोशिश करें, हो जाता है। आपके टोटल कितने लोग हैं अरेस्टिंग में सर? इसमें 5 लोग इन्वॉल्व है, अभी तक 2 लोग अरेस्ट हो गए और 3 लोगों को चल रहे, हो जाता है। सर आपके साथ कौन कौन काम करें? हमारा एस आई साहब नरेंद्र साहब करे और 2-3 वो लोग भी कोशिश करें। पोस्टमार्टम कहाँ पर हुआ इसका? उस्मानिया में हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।